हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम कूलम्स लॉ पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। तो आई थिंक आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई भी किया होगा, कुछ लोग ट्राई भी नहीं किए होंगे और कुछ लोग करना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, कल के गूगल मीट से ये मालूम चला कि सब किसी का ऑन एवरेज जो कॉमन टाइमिंग है स्टडी का, ड्यूरेशन जो है वो 8 to 9 आवर्स है। तो मुझे ऐसा कल मालूम हुआ कि आई थिंक कुछ लोग तो झूठ बोल रहे होंगे, और मतलब मोस्टली कुछ लोग नहीं, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगा कि वो सही नहीं बता रहे थे कि वो पढ़ते कितने देर हैं। ठीक है, क्योंकि यदि 8 to 9 आवर्स और 12-10 आवर्स यदि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो तीनों सब्जेक्ट जो है वो डेली मैनेज करना बहुत ही टफ होगा किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 5 to 6 आवर्स तो टाइम जो जाता है, ड्यूरेशन जो होता है वो किस में, लेक्चर्स देखने में। तो 3 to 4 आवर्स आप डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो जस्ट सफिशियंट है, चलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप जब तक लेक्चर्स देखने के बाद उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। स्टूडेंट्स को मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स पसंद करते हैं सॉल्व करना, क्यों, क्योंकि उसमें आंसर दिया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, खाना बना बनाया मिल जाए तो शायद ज़्यादा उस सही नहीं होता है। खाना बना करके खाने में के समय हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो इसलिए कोशिश ये करो कि सॉल्यूशंस नहीं देखें, और जो भी टफ प्रॉब्लम है यार नहीं आ रहा है तो उसको, उसके पीछे लगो, सोचो उसको। ठीक है, उस टाइम सोचो नहीं आता है तो फिर टीचर से डिस्कस करो, स्टूडेंट से डिस्कस करो, अपने दोस्त से, फ्रेंड से डिस्कस करो, कह रहे यार मैंने तो ये क्वेश्चन ट्राई किया और मैंने इन्हें ये सोचा लेकिन फिर भी आंसर नहीं है, इसमें मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। तो खुद से यदि बेटा जिस दिन मिस्टेक ढूंढना शुरू कर दोगे, फिगर आउट करना, खुद से क्वेश्चंस करना शुरू करोगे और आंसर ढूंढना शुरू कर दोगे, तो उस दिन से तुम्हारा इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो तुम्हारे रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। और एक्सक्यूज करना बंद करना चाहिए, कुछ लोग कल एक्सक्यूज भी कर रहे थे, तो एक्सक्यूज करना आई थिंक बंद करना चाहिए। एक्सक्यूज करने से कुछ नहीं होता है। मैं बोलूं कि नहीं मैं फेल हो रहा हूँ तो भगवान भी आकर के पास नहीं कराएंगे, प्रोवाइडेड कि खुद से फेल हो रहा हूँ तो पास कैसे हो उसके बारे में सोचना। तो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको खुद से सोल्यूशन ढूंढो, उसका समाधान ढूंढो और फिर सोचो और रिएक्ट करो, सिचुएशन को डील करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व भी किया था। कल मैंने एक प्रॉब्लम बताया था कि प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चन है, जब आप प्रीवियस ईयर सम सॉल्व करोगे तो देखो मैंने ये बताया था इस क्वेश्चन में क्या था कि क्यू का वैल्यू, कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड एंड साइन क्या होना चाहिए, सो दैट द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने ये बताया था कि जिस चार्ज का नेचर और वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उस पर हम नेट फोर्स जीरो नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स हम क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ। यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बेटा, तो हम ए पे, आई मीन यहाँ जो चार्ज है, कौन सा चार्ज है, यहाँ जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो देखो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, और फोर्स जो लगेगा इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग लगेगा, यही हमने कल देखा था। ठीक है, तो इसको मैं F1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसके द्वारा देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, और ये F2 मान लेता हूँ। ठीक है, और बेटा ध्यान से देखना, तो यहाँ तुम लिख सकते हो कि F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Q² अपॉन क्या हो जाएगा, A² ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑफ कोर्स ये प्लस क्यू पे जो नेट फोर्स लगेगा किसके द्वारा, इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के द्वारा, वो किधर लगेगा बेटा, अप लगेगा। ठीक है, इधर लगेगा, समझ में आया क्या, ये फोर्स जो होगा F12 होगा। F12 का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, अब Q1 पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए देखो, तो इन दोनों चार्ज के द्वारा इस पे फोर्स किधर लग रहा है, अप लग रहा है, तो इस Q के, कैपिटल Q के द्वारा फोर्स यदि डाउन लगे तब हम बोल सकते हैं कि
क्या है, नेट फोर्स जीरो हो सकता है। समझ में आया ना, क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस यदि स्मॉल क्यू का साइन प्लस क्यू है तो इसका साइन क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। यदि स्मॉल क्यू का साइन क्या है, माइनस क्यू है, तो इसका साइन क्या होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए। तभी क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। समझ में आया ना, क्या लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स। इस डिस्टेंस को यदि आर मान लूँ और इसको मैं यदि एफ मान लूँ तो एफ का जो वैल्यू होगा वो लिख सकते हो। देखो एफ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ से सिस्टम क्या होगा, सिस्टम विल बी क्या होगा, विल बी इन, विल बी इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, देन साइन ऑफ कैपिटल क्यू मस्ट बी अपोजिट। ठीक है, अपोजिट टू द क्या होगा, टू द साइन। साइन का मतलब क्या होगा बेटा, नेचर, साइन ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, समझ में आया। तभी क्या होगा, इन दोनों के द्वारा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो कैपिटल क्यू के द्वारा क्या होगा, अट्रैक्टिव। इसका मतलब यहाँ इसका नेचर क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं कि एफ वन टू इक्वल टू क्या होगा, एफ। ठीक है, और एफ वन टू कितना होगा बेटा, बता सकते हो तुम लोग, देखो एफ वन टू का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ रूट थ्री। ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर। ये देखो रूट थ्री कैसे आया, रूट थ्री कैसे आया, देखो इधर लिख देता हूँ, एफ वन टू इक्वल टू क्या होगा, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 60। ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल कितना, ए वाला एंगल कितना होगा बेटा, 60 होगा। अब वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री के क्यू कैप क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर कितना होगा बेटा, बता सकते हो तुम लोग, ए बाई आई थिंक रूट थ्री होगा, सही है। देखो यही आ रहा है ना, तो ए कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो कॉस 30 इज इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, ए बाई टू हो जाएगा, ए बाई टू आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई रूट थ्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू थ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बता सकते हो कि क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, रूट थ्री। समझ में आया, क्या हो जाएगा, क्यू बाई रूट थ्री। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और यदि साइन की बात करें तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, रूट थ्री। ठीक है, ये कल का क्वेश्चंस का क्या है, आंसर है। समझ में आया बेटा, कोई डाउट नहीं है। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेते हैं यार, है ना, कि इस पे और सम क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बायंसी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड है ना, इक्विलिब्रियम पे ही क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, उसको मैं जनरल रिजल्ट मैं बताऊंगा और उसके बाद हम वैल्यू रख करके चेक करेंगे। ठीक है, से देखो क्वेश्चन समझ लेना है, देखो ध्यान से, दो क्या है, दो चार्जेज हैं, दो चार्ज पार्टिकल है जिनका मास क्या है, सेम है। ठीक है, और चार्ज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम सेम भी कंसीडर कर लेंगे और सेम नहीं भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ देखो क्या है, दो चार्ज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, वर्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनको थ्रेड से हमने क्या किया है, फिक्स किया है। ये मान लो इस पे चार्ज क्या है, Q1, और इस पे चार्ज क्या है, Q2, क्या है, Q2,
और मास हमने क्या मान लिया, आइडेंटिकल मान लिया। समझ में आया ना, क्या मान लिया हमने, मास हमने कंसीडर कर लिया क्या, आइडेंटिकल, ठीक है। और ऑफ कोर्स इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। आगे मैं प्रूव कर दूंगा कि ये वर्टिकल के साथ जो इंक्लाइनेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। तो याद रखना है, यदि मास सेम होगा तो ये वाला जो इंक्लाइनेशन जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये भी आई मीन हमने ये मान लिया कि ये वाला जो इंक्लाइनेशन है ये क्या है, थीटा है, तो ऑफकोर्स ये वाला भी इंक्लाइनेशन क्या होगा, थीटा होगा। अभी याद कर जाओ तो, ठीक है। अभी क्या है, इस सिस्टम को कहाँ रखा गया है, एयर में रखा गया है बेटा, और सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। समझ में आया, क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। तो देखो ध्यान से, अभी इक्विलिब्रियम में है, क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर टेंशन इधर लगेगा, एक इधर क्या लगेगा, इसका एम जी लगेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स इधर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑफकोर्स इधर जो लगेगा वो क्या लगेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टेटिक या एफ कूलम फोर्स लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, कूलम फोर्स। अब किसी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा कि हर चार्ज जो होगा वो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इधर क्या लगेगा, देखो टी कॉस थीटा, और इधर क्या लगेगा, टी साइन थीटा। कंपोनेंट हमने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। अब आप आसानी से बोल सकते हो कि ठीक है, ये फिगर ए हुआ, यहाँ से हम लिख सकते हैं देखो कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी कूलम फोर्स, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लिख सकते हो कि टैन थीटा, देखो टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। यहाँ यही से प्रूफ भी हो गया, देखो एफ सी, देखो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जितना इन दोनों के बीच फोर्स इधर लग रहा है, इधर, उतना ही फोर्स इस पे भी किधर लगेगा, इधर लगेगा एफ सी। तो दोनों के लिए एफ सी क्या हो जाएगा, सेम हो गया। तो यहाँ बोल सकते हैं कि थीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ये बात समझ में आया बेटा कि एंगल मेड बाई द थ्रेड विथ वर्टिकल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। ये फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, अभी क्या किया गया है, एयर में रखा गया है। अब इस पूरे सिस्टम को अदर मीडियम में क्या किया गया, डीप कर दिया गया, क्या किया गया, डीप कर दिया गया, ठीक है। अदर मीडियम में क्या किया गया, रख दिया गया। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तरह रखा गया कि इन दोनों थ्रेड के बीच जो एंगल है वो एंगल क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया ना, आई मीन होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ मीडियम अदर देन एयर इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन द टू थ्रेड विल रिमेन अनचेंज्ड। समझ में आया ना, क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड। ये बात समझ में आया, ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू वन, इस पे क्या है, प्लस क्यू टू, ठीक है। अगेन इनके बीच जो एंगल दिया हुआ है वो रिमेन अनचेंज्ड है, आई मीन यदि टू थीटा है तो भी क्या होगा, टू थीटा होगा। समझ में आया ना, इसका मास क्या है, एम है, इसका मास क्या है, एम है, ठीक है। अब ये मीडियम, मीडियम कुछ अलग होगा यार, ठीक, ये समझ में आना चाहिए कि कोई मीडियम है, इस मीडियम को हमने मान लिया, क्या मान लिया, मीडियम, ठीक है। और इसका के का मतलब क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बताया था बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और कुछ बताया था इसको, और भी बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों क्या है, बोथ आर सेम थिंग्स। तो इस मीडियम में रख दिया गया, और डायलैक्ट्रिक जो क्या है, परमिटिविटी जो है वो क्या है, के है। और मीडियम कैसा है, लिक्विड है, क्या है, मीडियम क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में कुछ भी हो सकता है बेटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब यहाँ दो चीज दिया हुआ रहेगा, देखो रोयल क्या है, रोयल इज द डेंसिटी ऑफ क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रो एस इज द डेंसिटी ऑफ क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, समझ में आया, क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और ये पार्टिकल ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेना, पार्टिकल बोलोगे तो ऐसे मान लेना कि इसका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्फेरिकल नहीं भी मानोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
समझ में आया? अब देखो यहाँ क्या होगा, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, लिक्विड में डीप कर दोगे, तो इस पे बेटा क्या क्या फोर्स लाएगा बता सकते हो मुझे? क्वेश्चन समझ में आया कि ये दो चार्ज पार्टिकल है जिन पे प्लस क्यू, आई मीन आइडेंटिकल सेम नेचर का चार्ज है Q1 एंड Q2, उनको दो थ्रेड के थ्रू क्या है, एक पॉइंट से लटका दिया गया है, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम में वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं। अब होल सिस्टम को हमने क्या किया, लिक्विड में रख दिया, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन R है, रोयल इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रोयस इज डेंसिटी ऑफ द क्या होगा, सॉलिड। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच, दोनों थ्रेड के बीच जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फाइंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ठीक है? अब तुम बताओ यहाँ फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। चलो मैं फोर्स बता दूं, एक तो टेंशन लग रहा होगा यार इधर, अब ये टेंशन और ये टेंशन सेम नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको T1 मान लिया। एक इधर क्या लग रहा होगा, Mg लग रहा होगा। दूसरा इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, Fc- लग रहा होगा, Fc नहीं, Fc- लगेगा, ठीक है? और एक फोर्स लग रहा होगा बेटा, कौन सा फोर्स, लिक्विड में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, बायोंसी फोर्स लगता है। और वो बायोंसी फोर्स किधर लग रहा होगा बेटा, Fb जो लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, ऊपर। और Fb का जो वैल्यू होता है वो आपको मालूम है क्या होता है, रोयल Vs या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड इनटू क्या होता है, जी होता है, ठीक है? ये आप लोगों को मालूम है, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, ठीक है? तो देखो यहाँ ये एंगल थीटा है, तो अगेन दिस एंगल विल बी थीटा, दिस विल बी T1 cos थीटा, एंड दिस विल बी क्या होगा, T1 sin थीटा, ठीक है? अब अगेन ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज करो, आई मीन फोर्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। इसका मतलब टोटल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, टोटल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो यहाँ से बेटा लिख सकते हैं कि T1 cos थीटा प्लस क्या लिखेंगे, Fb इक्वल टू क्या लिखेंगे, Mg। और यहाँ लिख सकते हैं T1 cos थीटा इक्वल टू Mg माइनस क्या हो जाएगा, Fb। Fb का वैल्यू रख दो, ठीक है? क्या करेंगे हम, Fb का वैल्यू रख दें। अब देखो यहाँ से मैं Mg कॉमन ले लेता हूँ, तो Mg इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं रोयल वी इन, ठीक है, जी अपॉन रो एस वी एस जी। देखो ये लिक्विड के अंदर टोटल है, तो वी एस इक्वल टू वी इन हो जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो, देखो Mg इक्वल टू Mg इंटू क्या हुआ, 1 माइनस रोयल अपॉन क्या हो जाएगा, रोएस, ठीक है? ये कितना मिल गया, T cos थीटा। सिमिलरली देखो T sin थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Fc-। अब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आप लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू Fc- अपॉन क्या हो जाएगा, Mg, ठीक है, इंटू 1 माइनस रोयल अपॉन रोएस। यहाँ तक तो आ गए बेटा, ठीक है? एक इक्वेशन मैंने ये लिख लिया, कोई डाउट नहीं है ना, एक इक्वेशन हमने क्या किया, ये लिख लिया। एक इक्वेशन और भी लिखे थे, एक चीज़ हम जानते हैं, कल मैंने बताया था कि जब आप क्या करोगे, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ रखे हैं, अदर देन एयर में रखे हैं, तो मैंने ये बताया था कि फोर्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक है? तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि फोर्स इन एनी मीडियम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा, फोर्स इन एनी, मैंने लिखा था मीडियम, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एयर डिवाइडेड बाई, मैंने लिखा था कि, लिखा था क्या, तो यहाँ देखो हम लिख सकते हैं Fc- या Fc- इक्वल टू Fc अपॉन क्या लिखेंगे, कि, ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, देखो Fc इज इक्वल टू क्या होगा, Kfc-। अब यहाँ देखो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, यहाँ। अब Fc का वैल्यू वहाँ से हम रख सकते हैं, देखो ध्यान से, अभी मैंने इसके पहले इक्वेशन लिखा था, तो वहाँ हमने क्या लिखा था,
mg, देखो ध्यान से, mg tan theta, इसके पहले वाले इक्वेशन में जब सिस्टम क्या था, एयर में था, mg tan theta की fc का वैल्यू रख दो यहाँ से, तो देखो tan theta इंटू क्या हो जाएगा, इंटू वन माइनस रो एल अपॉन क्या हो जाएगा, रो एस, ठीक है। यहाँ देखो इंटू एम जी, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा हो गया, तो के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस क्या होगा, रो एल अपॉन क्या हो जाएगा, रो एस। ये डायरेक्ट आई आई टी में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम प्रीवियस ईयर देख लेना, दिया होगा, समझ में आया क्या। यहाँ आप रो एल और रो एस का वैल्यू रखते जाओ, आपको क्या होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इज इक्वल टू वन माइनस रो एल, रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन ये था, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में, क्वेश्चन समझ में आ गया था कि क्या था, उसके बाद दोनों में अलग अलग हमने क्या किया, दोनों सिचुएशन में, आई मीन एयर में किस इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखा, लिक्विड में इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखा, और एक कॉन्सेप्ट था कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन अ मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एयर डिवाइडेड बाय के, के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वही मैंने वैल्यू रखा और रिजल्ट लिखा। दूसरा एक तीसरा कॉन्सेप्ट था बायंसी फोर्स का, तो बायंसी फोर्स हम जानते हैं कि बायंसी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल वी एस इंटू क्या होता है जी, रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, और जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा। तो ये रिजल्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ याद रखने के लिए आपको, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट और हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां से मान लो कि यहां दिया रहेगा, एक और न्यूमेरिकल मैं बताता हूं, समझना है, कभी कभी एक यहां से, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल एक थ्रेड से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ हैंग कर दिया, ठीक है, ध्यान देना। और इस पे पार्ट, इस पे चार्ज क्या है, क्यू वन है, अब मास मैं अलग मान ले रहा हूँ, यहाँ एम वन है। दूसरे चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, यहाँ अभी मास है, देखो ध्यान से ऐसे, ठीक है, इसका मास क्या है, एम टू है, इस पे चार्ज हमने नहीं रखा, तभी क्या होगा, ये वर्टिकल रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पे दोनों पे लाइक चार्ज रखोगे, लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, क्या होगा, थ्रेड जो होगा वो क्या होगा, कुछ हॉरिजॉन्टली, आई मीन चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएंगे, तो ये थ्रेड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं रहेगा, वर्टिकल से कुछ क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये मैंने इस पे रख दिया, इस पे क्यू वन चार्ज रख दिया, और इस पे क्या हुआ, क्यू टू चार्ज रख दिया, समझ में आया क्या है, इस पे क्यू टू चार्ज। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो कि ये समझ में आया, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे डॉटेड डॉटेड ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब ये जो थ्रेड आएगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा वन मान लेता हूँ, यहाँ भी मैं डॉटेड डॉटेड ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो थ्रेड होगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ऐसे, समझ में आया। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू टू, और दिस इज नथिंग बट द क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल मैं थीटा टू मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, ऑफ कोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जाएगा, देखो क्या होगा, इस पे कूलम फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा एफ सी, इस पे टेंशन क्या होगा, इधर लगेगा एम जी, क्या होगा, इधर लगेगा एम टू जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ सी इधर लगेगा, टी वन और एम जी का क्या होगा, कंपोनेंट इधर लग लेना, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फर्दर इसका मूवमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। इन सिमिलर वे आप देख सकते हो कि इस पे जो कूलम फोर्स लगेगा एफ सी इधर लगेगा, ठीक है, इस पे टेंशन जो होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, टेंशन कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस पे इसमें टी वन लिख रहा हूँ और इसमें टी टू लिख रहा हूँ, इस पे क्या होगा एम
1g लगेगा। समझ में आया ना? ठीक है, मुझे ये प्रूफ कर देना है कि थीटा जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ, ये प्रूफ कर देना है कि कैलकुलेशन ऑफ एंगल मेड बाय, आई मीन प्रूफ करना है कि एंगल मेड बाय द थ्रेड इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, फोर्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कि कोई भी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लो, तो अगेन देखो यदि ये वाला एंगल मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल यदि मैं थीटा टू मान लूँ, ऑफ कोर्स होगा ए क्या हो जाएगा, टी वन कॉस थीटा टू, और इधर जो कंपोनेंट होगा उसका क्या हो जाएगा, देखो तो टी वन साइन थीटा टू। सिमिलरली आप देख सकते हो इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, टी वन साइन थीटा क्या हो जाएगा, वन सॉरी टी टू साइन थीटा, हमने यहाँ टी वन मान लेना बेटा, यहाँ टी वन यहाँ टी टू मान लेना, ठीक है, क्योंकि हमने एम टू माना है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा टी वन, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो जो क्या हो जाएगा, टी वन कॉस थीटा वन। ठीक है, अब किसी एक को कंसीडर करो, चलो इसकी इक्विलिब्रियम के लिए हम सोचते हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ m1 के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो टी वन कॉस थीटा वन इक्वल टू m1g, सही है, और यहाँ लिख सकते हैं कि टी वन साइन थीटा वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m2g, सही है, सॉरी fc कूलम फोर्स, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा tan, देखो tan थीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा, fc अपॉन क्या होगा, m1g। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन आप किसके लिए कंसीडर करो, नाउ इसका m2 का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लो, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम इन क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ m2 का जब इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ से t2 cos थीटा 2 इक्वल टू m2g, और ये क्या हो जाएगा, t2 sin थीटा 2 इक्वल टू fc। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा 2 इक्वल टू fc अपॉन क्या होगा, m2g। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड, दोनों केस में fc का वैल्यू सेम है, यहाँ से तुम डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या करोगे, डिवाइड कर सकते हो यहाँ, तो डिवाइड कर दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो देखो क्या लिख सकते हो, tan, देखो यहाँ से tan थीटा वन अपॉन tan थीटा टू इक्वल टू क्या होगा, m2 अपॉन क्या होगा, m1, यही होगा ना बेटा, देखो डिवाइड करके देखो। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल, या यूं बोल सकते हैं कि थीटा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास, जस्ट याद रखने के लिए। समझ में आया क्या, यहां बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के कोरस्पोंडेंस एंगल मेड बाय द क्या होगा, थ्रेड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल कनेक्टेड विद द क्या होगा, थ्रेड। ठीक है, क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल कनेक्टेड विद द क्या होगा, थ्रेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल कनेक्टेड विद द क्या होगा, थ्रेड। अब यहाँ से तीन केसेस हो सकते हैं, समझ में आया ना, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो थीटा और थीटा वन थीटा टू में कैसे रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, देखो मैंने यहाँ जनरल, ये बेसिकली होगा नहीं, ये तभी लिख सकते हैं जब थीटा का वैल्यू बहुत ही कम होता है, लेकिन रफली हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, तो थीटा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम। समझ में आया ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द थ्रेड कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब यहां से तीन सिचुएशन हो सकता है, केसेस क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना नोट में कि क्या होगा कि इफ, ठीक है बेटा ये लिख लेना, इफ क्या होगा, m1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, m2, देन क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, tan थीटा 1, थीटा 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, थीटा 1। समझ में आई बात, एंगल मेड बाय द क्या होगा,
थ्रेड टू विल बी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, थ्रेड वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इफ एम वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम टू, देन हम क्या बोल सकते हैं, देन टेन थीटा वन इज इक्वल टू टेन थीटा क्या हो जाएगा टू, आई मीन थीटा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा टू। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है कि इफ एम टू इज ग्रेटर देन क्या होगा एम वन। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा वन इज ग्रेटर देन tan थीटा टू, और थीटा वन इज ग्रेटर देन क्या होगा थीटा टू। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं बेटा, जो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम के कोरस्पोंडेंस क्या होगा, कि कौन सा मास जो होगा उसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एंगुलर डेविएशन आई मीन एंगल मेड बाई द थ्रेड विद द क्या होगा थ्रेड विद द वर्टिकल विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कनेक्टेड विद द क्या होगा थ्रेड। ये भी याद रखना है, चार्ज दोनों पे क्या है, आइडेंटिकल है या क्या है। तो यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो कि क्या होगा, थीटा इज इनडिपेंडेंट विद द क्या होगा चार्ज ऑन बोथ द पार्टिकल्स। नेचर ऑफ चार्ज नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। क्या आई मीन थीटा टेन थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन क्या होगा चार्जेस ऑन द क्या होगा ऑन द पार्टिकल्स। समझ में आया ना, उन पे आई मीन tan थीटा हम बोल सकते हैं tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q के पावर क्या हो जाएगा जीरो। समझ में आया, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा जाएगा, तुम क्वेश्चंस देखना उसमें तुमको मिल जाएगा। समझ में आया बात। उसके बाद और अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं, एक केवल नोटबुक अच्छे से पढ़ो और फिर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व होगा। अब तुमको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है और तुम देख देख करके सॉल्व कर रहे हो, तब तो कभी भी नहीं सॉल्व हो सकता है, ठीक है, तब कुछ भी नहीं हो सकता। नोटबुक हम सही से नहीं पढ़े हैं, रिजल्ट सही से याद नहीं रखे हैं, सोचे नहीं, तो फिजिक्स तो ऐसे भी थोड़ा सा आसानी होता है, तो आसान होगा ही, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। अभी थोड़ा SHM से रिलेटेड हम क्या करें, क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। देखो एक क्वेश्चंस क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज और यहाँ भी हमने क्या किया है प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये क्या है, फिक्स है, ये याद रखना है। यहाँ और यहाँ इसको क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, फिक्स्ड। ये भी क्या है, फिक्स है बेटा, समझ में आया। अब दो चीज़ें हैं, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल क्या है रखा गया है जिस पे चार्ज जो है क्या है माइनस क्यू है, ठीक है। ये फिगर क्या है, वन मैं लिख देता हूँ, और इनका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा ए लिख दो और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे जीरो कॉमा माइनस है, गॉट इट। ये फिगर वन हो गया, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिगर टू में मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों क्वेश्चंस पूछा जाएगा बेटा, है ना। ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा ए, यहाँ भी अगेन प्लस क्यू, यहाँ भी क्या है अगेन प्लस क्यू, इसका कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए कॉमा जीरो, और यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है जिसका जिसका चार्ज जो है प्लस क्यू है। इस पार्टिकल का चार्ज माइनस क्यू और मास क्या है एम है, अगेन देखना ये दो चार्ज क्या है फिक्स है, ये याद रखना है। स्मॉल क्यू आर क्या है फिक्स, आई मीन प्लस क्यू आर क्या है फिक्स्ड, ठीक है। ये मूव नहीं कर, ये मूव कर सकता है, ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपको ये बताना है इफ कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली, क्या होगा इज डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग क्या होगा एक्स एक्सिस एज सोन इन द फिगर ए एंड बी, देन डिस्कस अबाउट इट्स मोशन, ठीक है। समझ में आया ना, समझ में आया क्वेश्चंस बेटा। यदि क्या होगा कैपिटल क्यू को एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या कर रहे हैं
डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसके मोशन के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है कि इसका मोशन कैसा होगा, ठीक है। यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट कि व्हाट इज द मोशन, आई मीन हाउ द चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वेदर इट्स मोशन इज पीरियोडिक और वेदर इट्स मोशन इज ऑसिलेटरी और वेदर इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटिंग मोशंस। समझ में आया ना? तो आपको क्या करना है, ये फिगर आउट करना है, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि इफ या वेन वेन कैपिटल क्यू इज डिस्प्लेस्ड displaced along x axis then discuss about its motion। क्या करना है इसके मोशन को, क्या करना है, डिस्कस करना है कि इसका मोशन, बाद में होमवर्क क्या रहेगा कि y एक्सिस के अलोंग हम जब डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है बेटा। एक ग्रेविटेशन में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब तुम बताओ अभी यहां इस सिचुएशन में, समझ में आया ना, ठीक है। यही क्वेश्चन है यहां, ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे देखो, इसके द्वारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इधर होगा, इसके द्वारा फोर्स क्या होगा, इधर होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां भी देखोगे क्या है, इस पे अभी देखोगे तो नेट फोर्स इन दोनों के बीच किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इन प्लस क्यू के द्वारा किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, इसलिए इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो आई मीन दिस इज क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम बोल सकते हैं, नॉन स्टेबल। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल, क्या बोलेंगे हम इसको, अनस्टेबल, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टेबल। स्टेबल हम कैसे चेक करते हैं कि पार्टिकल को वहां से डिस्प्लेस कर दो, फिर यदि पार्टिकल उसी पोजीशन पे आ रहा है तो हम बोलेंगे वैसे पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। यदि पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन को कभी रिटर्न नहीं हो रहा है तो वैसे पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है, यहाँ भी, लेकिन दोनों में क्या है, स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है बेटा, इसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ से यदि मैं इसको एक्स डिस्प्लेस करूँ, क्या करूं, इसको x डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो मान लो कि ये कैपिटल जो q है वो कहां आ गया, यहां आ गया है, कहां, यहां, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, क्या है, ऐसे मूव कर रहा है इधर, ठीक है। तो यहां आ गया माइनस कैपिटल q, कहां, यहां, यहां से कहां, x डिस्टेंस। तो यहां जब इस पर फोर्स लगेगा तो देखो अट्रैक्टिव फोर्स, आई मीन इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, इसको मैं F1 मान लूं, और इसके इन बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इधर लगेगा, ये फोर्स कितना होगा, F2 होगा। यहां तुम लिख सकते हो कि F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, F होगा, या F नॉट होगा, और दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, K Q, समझ में आया ना, K Q स्मॉल Q अपॉन दिस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ऑलवेज एंगल वाइज सेक्टर के अलोंग लग रहा है, समझ में आई बात। तो इन पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों के द्वारा बेटा, उसका डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा, एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, एफ आर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, समझ में आई बात। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसलिए फोर्स जो होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एक्स एक्सिस का, तो ये क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से डिस्प्लेस करोगे तो इधर क्या होगा, वेलोसिटी, क्योंकि इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी जीरो, डिक्रीज होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, मोमेंटली ये रुक जाएगा, और अगेन नेट फोर्स कंटिन्यूअसली किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो फिर यहाँ रिटर्न आएगा, फिर जैसे ही इधर जाएगा तो तुम यहाँ भी देख सकते हो कि इनके और इनके बीच किधर होगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, बैक एंड फोर्थ क्या मूव करेगा, आई मीन इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा, समझ में आया ना। तो फिगर वन में हम क्या बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी क्या होगा, ऑसिलेटरी। यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, देखो ध्यान से,
यहाँ जब आप सोचोगे तो चले यहाँ मान लिए कि प्लस क्यू कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, इसका कुछ वेलोसिटी होगा इधर। अब देखो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा और किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसको मैंने एफ वन मान लिया बेटा। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसको मैंने एफ टू मान लिया बेटा। अगेन एफ वन और एफ टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये कभी अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ वेरिएबल एक्सेलेशन। यदि मैं इसको थीटा मान लूँ, देखो इसको थीटा मान लूँ, ई वी थीटा होगा, तो ऑफकोर्स ई वी थीटा होगा और ई वी थीटा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू एफ कॉस थीटा, दोनों केस में, ठीक है। तो इस केस में, बी केस में क्या होगा, ये वेरिएबल वेलोसिटी से क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, मूव कर जाएगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर जाएगा। यहाँ क्या होगा, अपने मीन पोजिशन के अबाउट क्या होगा, ये बैक एंड फोर्थ क्या होगा, मूव करता रहेगा। समझ में आई बात? तो दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन कुछ पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। नोट में बेटा क्या लिखेंगे, इन फिगर क्या होगा, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग, ठीक है, हैविंग चार्ज माइनस क्यू विल क्या होगा, विल मूव बैक एंड फोर्थ, फोर्थ अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस अबाउट अबाउट ओरिजिन, हेंस, ठीक है, हेंस इट्स मोशन क्या होगा, इट्स मोशन विल बी क्या होगा बेटा, ऑसिलेटरी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। समझ में आया ना, इस केस में फिगर में। अब यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ भी देखो, वहाँ से हमने लिख दिया ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो यहाँ बोल सकते हो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बता सकते हो ना, एफ नट यहाँ लिखना चाहिए मुझे, एफ नट हमने माना है, तो यहाँ लिख सकते हो कि एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिख दो, देखो ठीक है, एफ आर इक्वल टू माइनस टू एफ नट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नेट फोर्स मैं लिख रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन क्या होगा, ऑन माइनस क्यू, ठीक है बेटा। तो इसको लिख रहा हूँ एम इंटू ए इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, टू के क्यू क्यू अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ से एक्स है, ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, वन बाई टू। इसको लिख सकते हैं एम इंटू, यहाँ हम कैपिटल ए लेते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू के क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। समझ में आया क्या, ठीक है। तो f इक्वल टू हमने m में लिखा, एक कैपिटल एक्सेलेशन लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने यहाँ डायरेक्ट हमने ये देखो ऑसिलेटरी मोशन चेक करना है, तो फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, केवल देखो कि बैक एंड फोर्थ क्या है, मूव कर रहा है क्या, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा माइनस टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन क्या होगा, एम इन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू एक्स, ठीक है। इस एक्सेलेशन से क्या होगा, इस केस में फिगर बी में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, तो एक्सेलेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा। अब मैं यहाँ मान लूँ कि इफ क्या होगा, इफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या हो जाए, ए हो जाए बेटा, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ आई थिंक, देन डायरेक्ट लिखूँ ए विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से माइनस टू के क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन एम। यहाँ से तुम देख सकते हो कि मोशन क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, मोशन विल बी क्या होगा, ऑसिलेटरी क्या होगा, मोशन जो होगा वो क्या होगा, सॉरी मोशन विल बी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक। समझ में आया क्या,
अरे सिंपल हार्मोनिक का ही कंडीशन होता है ना। आप देखो यहाँ से हैंस, यहाँ बोल सकते हैं हैंस, हैंस मोशन ऑफ क्या होगा एम विल बी सिंपल हार्मोनिक। और कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, 2k q q अपॉन क्या हो जाएगा एम ए क्यू, तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा 2π अंडर रूट, ठीक है, एम ए क्यू अपॉन 2k q q, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। तो जब भी स्मॉल पूछा जाए कि स्लाइटली हमने डिस्प्लेस किया, स्लाइटली का मतलब ही क्या होता है, को आपसे पूछा क्या है, ये वाला कंडीशन पूछा गया। स्लाइटली का मतलब क्या होगा कि इन जनरल यदि दिया हुआ है तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। लेकिन जब भी उसने बोला कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया जा रहा है, इसका मतलब बेटा ये होगा कि एक्स जो है वो बहुत ही छोटा है, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, मोशन जो होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। सिंपल हार्मोनिक का हमने यहाँ डायरेक्ट हमने ये इक्वेशन लिखा और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमने क्या किया, टाइम पीरियड कंसीडर। पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी में सिंपल आप बोल सकते हो कि इन फिगर क्या होगा, इन फिगर बी सिंपल बोल सकते हैं कि मोशन जो होगा क्या होगा, मोशन ऑफ एम विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटिंग मोशन होगा, ठीक है, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटिंग मोशन, आई मीन वेरिएबल एक्सेलेरेशन से क्या होगा वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक दो पॉइंट और मैं नोट कर देता हूँ, उसके बाद और भी ये क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूँ और इसको ट्राई कर लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन जो है वो मैं देता हूँ, तुम लोग उसको लिखना, ठीक है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो कल डिस्कस कर दूंगा। देखो ये क्या है, ये रिंग है, ठीक है, क्या है, रिंग दिया हुआ है, मेटालिक रिंग हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इस पर चार्ज जो है, चलो मैं मान लेता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मैंने मान लिया इस पर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है अभी। अब इसके सेंटर पे हमने क्या किया, स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। तो आपसे क्या पूछा गया है ये आपको बताना है। तो इन द शोन फिगर, ठीक है, फाइंड समझ में आया ना, फाइंड इसका रेडियस मान लो बेटा आर, फाइंड टेंशन इन द क्या होगा, फाइंड टेंशन इन द क्या होगा, इन द वायर, ठीक है, एज सोन इन द क्या होगा, इन द फिगर ए एंड बी, फिगर ए एंड फिगर बी भी बता देता हूँ। फिगर बी में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रोटेट करा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आया ना, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, रोटेट करा रहा हूँ। तो ये फिगर ए हो गया, ठीक है, दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ अगेन प्लस क्यू चार्ज ही रखा सेंटर पे, स्मॉल क्यू चार्ज, ये सी है, इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज मैंने मान लिया बेटा। अब देखो यहाँ दो सिचुएशन हो सकता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों में क्या होगा, आंसर जो होगा अलग अलग आएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो अभी क्या हो रहा है, एक अपने एक्सिस के अबाउट इधर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से क्या है, रोटेट हो रहा है। और रिंग का मैं मास भी कंसीडर कर रहा हूँ कि मास क्या है, रिंग है बेटा, रिंग पे मास क्या है, मैं यहाँ मास की जरूरत नहीं होगी लेकिन आप लिख सकते हो रिंग है, इस पे मास क्या है, मैं, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो आपको क्या करना है, दोनों केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन थ्रेड में क्या होगा उसको फाइंड आउट। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, यदि एंगुलर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द क्या होगा वायर दिया हुआ है तो लेंथ में कितना चेंज होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का दिया हुआ है,
ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, देखो मैं हिंट्स देता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करना, उस पर फोर्स को क्या कर देना, बैलेंस कर देना, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्या होगा, एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करना और फोर्स को क्या करना, बैलेंस करना। यदि तुम रिंग पे बैठे हुए हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर करना, नहीं तो टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, इसको ट्राई कर लेना बेटा, ठीक है। अब इससे कूलम्स लॉ पे थोड़ा और प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड हम पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या है अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे बेटा, ई, ठीक है। अब देखो कोई भी क्या है, कोई भी रीजन है, देखो ध्यान से, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ मैं क्या करूँगा, टेस्ट चार्ज लाऊंगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और याद रखना है ऑलवेज हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्या है, टेस्ट चार्ज हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और इस टेस्ट चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, मैं लिखूँ एफ ई, क्या है एफ ई, देखो एफ सी मैं लिख रहा हूं, एफ सी का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन क्या होगा, ऑन चार्ज प्लस चार्ज क्यूनट, टेस्ट चार्ज। जिस तरह टेस्ट मास होता है उसी तरह क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ सी लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ सी, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी डिवाइडेड बाई क्या होगा, टेस्ट चार्ज। समझ में आया क्या, देखो ध्यान से, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने कैसे डिफाइन किया था, उसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है, कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी। पी पे जो टेस्ट चार्ज रखा गया है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज विल बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या होगा, पी होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। समझ में आया क्या, तो यहाँ से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हम दो तीन पॉइंट लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए क्या होगा, इज ए वेक्टर क्या होगा, क्वांटिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान देना कि ये क्यू क्या है, क्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या है, क्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यू नॉट हमने क्या लिया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। देखो यहां मैंने लिख दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी विल बी क्या होगा, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ सी, ठीक है। दैट इज क्या बोल सकते हैं, दैट इज क्या बोलेंगे बेटा, एफ आई मीन ई एट पी मस्ट बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एफ सी, ठीक है। दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एफ सी का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या होगा, यूनिट क्या हो सकता है बेटा, बता सकते हो, देखो तो यूनिट क्या होगा,
एस आई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, याद रखना है यहाँ हम क्या बोलेंगे, न्यूटन्स पर कूलम। क्या हम बोलते हैं? न्यूटन्स पर कूलम, ठीक है। और इसको याद आगे हम पढ़ेंगे, इसको वोल्ट, ये यूनिट वोल्ट पर क्या होगा, मीटर में होता है। इसको देखना, वी एम भी बैक स्लैश एम आई मीन वोल्ट पर मीटर भी, तो न्यूटन पर कूलम भी हम लिखते हैं और वोल्ट पर मीटर भी हम लिखते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन यदि लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा बेटा, बता सकते हो? देखो, एम एल टी माइनस टू का डायमेंशन डिवाइडेड बाई क्यू आई मीन चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी इसको करंट के भी टर्म में दिया रहता है, तो यहाँ लिख सकते हो कि इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम एल टी माइनस टू क्यू के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट रहा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, जितना जो भी रिजल्ट अब मैंने ग्रेविटेशन के लिए बताया था, सारे रिजल्ट क्या होगा, यहाँ वैलिड होगा। अभी मैं बताता हूँ कि कोरिलेट हम कैसे करके चीज़ों को याद रखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने सारे रिजल्ट का डेरिवेशन बताया है, तो यहाँ मैं डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखूँगा, ठीक है, समझ में आया ना, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकें। देखो, यहाँ क्या करना है, केवल याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हम कैसे लिखेंगे। वहाँ पहले टेस्ट चार्ज लिखो, टेस्ट चार्ज पे क्या करो, फोर्स लिखो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, और फिर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है बेटा क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या होगा, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और पी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, फील्ड लिखना है। देखो ध्यान से, तो जब फील्ड लिखना होगा तो यहाँ मुझे क्या करना है, टेस्ट चार्ज रखना है, ये क्या हुआ, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, सो दैट तुमको डायरेक्शन समझ में आ जाए। अगेन यहाँ से पी पॉइंट पे तुमको क्या करना है, फील्ड लिखना है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, टेस्ट चार्ज रख दूँगा। अब एफ सी का डायरेक्शन क्या होगा बता सकते हो, एफ सी का, एफ सी आई मीन फोर्स ऑन क्यू नट टेस्ट चार्ज ड्यू टू क्यू क्या होगा बता सकते हो? देखो तो ऐसे ही होगा क्या, इसका डायरेक्शन देखो ऐसे होगा, ठीक है, यही डायरेक्शन हुआ ना, एफ सी का डायरेक्शन, ठीक है। क्या है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ सी अपॉन क्या होगा, क्यू नट, ठीक है। यहाँ यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं बेटा, देखो ई पी, ठीक है, या आर कैप भी लिख सकते हो। देखो यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो यदि आर का डायरेक्शन मैं इधर लिख रहा हूँ, आर वेक्टर लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ई पी के क्यू क्यू नट अपॉन क्या होगा, क्यू नट आर स्क्वायर आर कैप, समझ में आया, क्या मैंने लिखा, आर कैप, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा बेटा, के क्यू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर, हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया। डायरेक्शन क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से किधर होगा, अवे लगेगा, किधर लगेगा बेटा, अवे लगेगा, और किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, किधर होगा, अवे, किधर होगा, अवे होगा। यदि निगेटिव चार्ज है तो देखो इस पे इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, इधर लगेगा ना, यही कूलम फोर्स लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ जब आप ई पी लिखोगे तो ई पी क्या होगा, यहाँ मैं ऐसे एरो लिख रहा हूँ आई मीन अवे, और यहाँ देखो ई पी इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज,
ठीक है। तो यहाँ से ये देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट पी वनली डिपेंड ऑन द क्या होगा, चार्ज बाई विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द फील्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। ये क्या है, पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है या नहीं है उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। देखो समझ में आया, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, पॉइंट मास के द्वारा जी एम अपॉन क्या था, आर स्क्वायर, यही था ना, याद आया, उससे भी कोरिलेट करके मैं बता देता हूँ। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट पी विल बी क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी हम यहाँ क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे बता सकते हो, तो कुछ पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये क्या होगा, पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, ई एट पी इज डायरेक्टली पॉसिबल टू क्या होगा, क्यू, कब, जब आर हमने क्या कर दिया बेटा, आर क्या मान लिया हमने, कॉन्स्टेंट मान लिया, ठीक है। बी में क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज, दैट इज क्या बोल सकते हैं कि ई पी विल बी क्या होगा, इनवर्सली पोस्टल टू क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है, देखो अभी हमने कहाँ रखा है, एयर में रखा है, ठीक है, एयर में। के का वैल्यू बेटा क्या है, के का वैल्यू याद रखना 9×10^9 क्या है, 9, और क्या याद रखना है, 1/4πε0, ठीक है। और क्या है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस्ड, एंड क्या होगा, नेचर ऑफ मीडियम इन विच, ठीक है, क्यू इज प्लेस्ड। समझ में आया बेटा, ये तीन चीज पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड जो क्या होगा, रेडियली क्या होगा, अवे होगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियली टूवर्ड्स होगा। समझ में आया ना, तो यहाँ देखो दोनों पॉइंट लिख लेना है। देखो यदि मैं मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो के क्यू और आर, अब यदि मैं ये कंसिडर करूँ, देखो ई पी इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन क्या है, आर स्क्वायर, यही है ना। तो दिस इज प्लस क्यू चार्ज, इसे आर डिस्टेंस पे, आर रेडियस का एक हमने क्या किया, स्फीयर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो देखो हर जगह इस पॉइंट पे यदि फील्ड देखोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। इस पॉइंट पे इधर देखोगे तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। समझ में आया ना, हर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे, इधर आप देखोगे तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। इधर आप देखोगे तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउट, हर जगह ये देखो, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बाद में हम पढ़ेंगे। तो हर जगह यदि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उस चार्ज से क्या होगा, रेडियली क्या होगा, अवे होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, रेडियली क्या होगा, अवे होगा, ठीक है, क्या होगा, रेडियली अवे होगा। समझ में आया ना, कब, जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि चार्ज क्या होगा, देखो निगेटिव है, क्या है, चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो फील्ड लाइंस जो क्या होगा, रेडियली, कहीं भी इस पॉइंट पे देखोगे तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा, देखो इधर होगा। समझ में आया, इस पॉइंट पे देखोगे तो किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे देखोगे तो किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे देखोगे तो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड हो सकता है और रेडियली आउटवर्ड हो सकता है। समझ में आया ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, यहाँ लिखा हो,
यदि के क्यू और आर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम इक्वी फील्ड सर्फेस नहीं बोल सकते हैं, नॉट इक्वी फील्ड सर्फेस, इक्वी फील्ड सर्फेस। इक्वी फील्ड सर्फेस का मतलब क्या हुआ कि इवन दो हर जगह मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है पी क्यू आर एस पे क्या है, सेम है, हम ये नहीं बोल सकते हैं। पी पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ क्यू हो गया, और ये क्या हो गया आर, दिस पॉइंट इज एस, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी नट इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू नट इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या होगा आर एंड सो, तो इसलिए इक्वी फील्ड सर्फेस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली अवे फ्रॉम द क्या होगा चार्ज होगा, और क्या होगा यदि निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, रेडियली टूवर्ड्स द क्या होगा चार्ज होगा, ये ध्यान रखना है। तो रेडियली क्या हो गया यहाँ, रेडियली अवे फ्रॉम क्या होगा ई, मैं लिख रहा हूँ रेडियली अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है, आई मीन फील्ड क्या है डाइवर्ज हो रहा है, और यहां मैं लिख सकता हूं रेडियली टूवर्ड्स ठीक है बेटा। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं ऐसे कैलकुलेट, याद रखना है पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। याद आया कि पॉइंट चार्ज के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, पॉइंट मास के द्वारा बेटा बता सकते हो, चार्ज के द्वारा नहीं मास के द्वारा, नोट में देखो तो याद आया तुमको, नोट में मैंने बताया था कि यहाँ क्या है कोई मास है एम, और पी पॉइंट पे तुमको क्या लिखना है, ईजी लिखना है, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मैंने क्या बताया था जी एम अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। देखो तो दोनों में सिमिलरिटी है क्या, देखो तो दोनों रिजल्ट में केवल जी और के क्या है इंटरचेंज है, और चार्ज एंड मास क्या है इंटरचेंज है, एवरी रिजल्ट इज सेम। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड अलविज क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आई मीन दोनों अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। अब ग्राफ भी हम देख लेते हैं इसका, देखो ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे किसका ईपी और रेडियल डिस्टेंस, तो आई थिंक क्या मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं मिलेगा, गलत बोल रहा हूँ, इस नेचर का होगा, समझ में आया ना, ई पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर स्क्वायर, अरे यही था ना, ई पी इक्वल टू क्या है के क्यू अपॉन क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा लीनियर नॉन लीनियरली क्या होगा डिस्टेंस के साथ क्या होगा वैरी करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोर देन वन पॉइंट चार्ज, आई मीन मैं यहाँ दूसरा जो पॉइंट पढ़ूंगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट ए गिवन पॉइंट, समझ में आया, सारे ग्रेविटेशन के रिजल्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो ये क्या है, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है, मुझे क्या करना है, अब यहाँ ऐसे सोचो कि मोर देन क्या है वन चार्ज पार्टिकल है, यहाँ क्या है क्यू वन है, यहाँ क्यू टू, यहाँ क्या है क्यू थ्री है, और डैश डैश यहाँ मान लो कि क्यू एन चार्ज है, ठीक है, समझ में आया। इसके द्वारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई वन, मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो अवे लगेगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा टूवर्ड्स लगेगा, ठीक है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है ई टू, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई थ्री है, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है ई एन है, समझ में आया बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सम वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस एट पॉइंट पी, तो क्या लिखेंगे? ई वन प्लस क्या लिखेंगे? ई टू प्लस क्या लिखेंगे? ई थ्री एंड सो ऑन प्लस, ठीक है? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सभी चार्जेज के द्वारा अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, और फिर क्या करो, वेक्टर की तरह आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, वेक्टर यूज करके आपको ऐड कर देना है। समझ में आई बात? तो इस पे हम एक दो तीन न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और फिर आगे हम और टाइप देखेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस। अब जैसे एक एग्जांपल देख लो बेटा, अब यहां दोनों चीज हो सकता है, ध्यान देना, ठीक है? मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पी पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद दूसरे केस में देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। अगेन मिड पॉइंट पे क्या आपसे बोला गया है, पी पॉइंट पे फील्ड देखो। देखो ये फिगर वन हो गया, ये फिगर क्या हो गया, सॉरी फिगर बी वन नहीं हुआ, ए एंड बी हो गया, ठीक है? पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? याद रखना बेटा, वेक्टर के साथ लिखना है, स्केलर की तरह ऐड नहीं करना है, ठीक है? चलो कैलकुलेशन आसान के लिए, आई मीन इजी के लिए, हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। इधर क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब तुम बताओ, इसके द्वारा यदि मैं, या इसको क्यू वन क्यू टू लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है? समझ में आया ना, ज़्यादा आसान रहेगा लिखने में, ठीक है? अब E1 का, E1 बताओ, इसके द्वारा प्लस Q1 के द्वारा यहाँ जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? यार याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस चार्ज से क्या होगा, अवे लगेगा। तो ये प्लस चार्ज है, तो इस पे यहाँ यदि मैं E1 लिख रहा हूँ, E1, तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इधर होगा, ठीक है? अब ई वी प्लस चार्ज है तो पी पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा यार, प्लस चार्ज से अवे और माइनस चार्ज के तरफ, ठीक है? आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, और ड्यू टू निगेटिव चार्ज विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है? तो यहाँ बेटा देखोगे इस पॉइंट पे तो E2 का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है? अब दोनों के बीच यदि सेपरेशन मैंने मान लिया, आई मीन ये दोनों क्या ए है, ये भी दिस इज ए दिस इज ए, ठीक है? तो इस फिगर में देखो, E एट P यदि मैं लिखूं, क्या लिखूं, E एट P इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। E1 कितना लिख सकते हैं देखो, मैग्नीट्यूड E1 क्या लिखेंगे बता सकते हो, E1 का डायरेक्शन किधर है, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, माइनस आई कैप हम यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्यू वन यहाँ लिख लो, इंटू क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। समझ में आया? प्लस E2 का डायरेक्शन क्या है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो क्या लिखेंगे, के Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप। तो यहाँ लिख सकते हैं के अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, Q2 माइनस क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, ठीक है? किस केस में, फिगर वन हमने कंसीडर किया, अभी फिगर ए। अब यदि यहाँ देखोगे इफ क्या हो जाएगा, इफ Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर मिलेगा। दो क्या होगा, दो पॉइंट चार्जेज हों, सेम नेचर के हों और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो सेंटर पे एलिवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आई बात? यहाँ देखो बेटा फिगर बी, फिगर बी में क्या लिख सकते हो, देखो पहले वेक्टर डायग्राम देखो, तो अगेन E1 का डायरेक्शन देखोगे तो किधर होगा बता सकते हो, देखो ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के द्वारा चार्ज के तरफ फील्ड का डायरेक्शन होता है,
तो इधर E1 का डायरेक्शन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इससे अवे हो जाएगा, तो E2। यहाँ तो बेटा कुछ है ही नहीं, देखो तो हम लिख सकते हैं फिगर बी में क्या लिख सकते हैं, ई एट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्या होगा, E2। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं E1 इंटू आई कैप प्लस E2 इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप इज इक्वल टू क्या लिखें, के Q1 प्लस के Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया, आई कैप। तो EP इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, के Q1 प्लस के Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप। तो देखो यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है, समझ में आया ना, ठीक है। तो यदि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, यहाँ लिख सकते हो इफ Q1 इक्वल टू क्या हो जाए, Q2 इक्वल टू Q हो जाए, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू क्या होगा, 2KQ अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आई कैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो सिचुएशंस क्या है, डिपेंडेंट होता है, समझ में आया। दूसरा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखेंगे और ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो बेटा, देखो यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, आपको क्या करना है, ओपी फील्ड बताना है, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सब, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, तुम बोल देना, इसको सोच सकते हो तुम लोग, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी हमने प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू रखा, यहाँ भी प्लस क्यू रखा, ये रेडियस क्या है, आर मान लेते हैं। ओ पी आपको क्या करना है, हर डायरेक्शन हर सिचुएशन में ओ पी क्या करना है, फील्ड लिखना है, ठीक है, समझ में आया। थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं अभी, थोड़ा ट्विस्ट क्या करता हूँ, देखो इधर थोड़ा घुमाता हूँ मैं, क्यू क्यू और यहाँ माइनस क्यू रख देता हूँ, ठीक है, अगेन ए हो गया, ठीक है। और भी थोड़ा ट्विस्ट घूम कर देता हूँ क्वेश्चंस को, देख लेना बेटा, इसको ट्राई करना है ना, और क्या ट्विस्ट कर सकता हूँ, देखो इधर थोड़ा और ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा और ट्विस्ट कर दें, हाँ ठीक है। देखो यहाँ प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, और ठीक है, साइड लेंथ कितना है, ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं क्या, बोलो। तो अब ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ बेटा, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन का नोटबुक देखना, दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, मैं ये लिख रहा हूँ फाइंड, फाइंड क्या होगा, फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या होगा, एट पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर्स, ठीक है, समझ में आया। ये जितने फिगर्स दिए हुए हैं उसमें क्या करना है, तुमको क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ, देखो ध्यान से, बाई सिमेट्री देखो, ये चार्ज क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, देखो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, इसको मैं E1 मान लेता हूँ, इसके द्वारा ये प्लस है तो चार्ज से अवे होगा, किधर होगा, इधर होगा बेटा, तो इसको मैं E2 मान लेता हूँ, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, नीचे होगा, इसको मैं E3 मान लेता हूँ, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो तुम बता सकते हो कि यहाँ ई एट ओ आई मीन नेट फील्ड क्या होगा, एट ओ विल बी इक्वल टू क्या होगा, ई वन प्लस ई टू प्लस क्या हो जाएगा ई थ्री, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तुम प्रूव कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने बताया था, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन एंड अगेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखो, इसके द्वारा जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर, इसके द्वारा जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके द्वारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर होगा, और इसके द्वारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर होगा। तो अगेन ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि नेट फील्ड एट ओ विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। समझ में आया बेटा? सिमिलर वे से हम यहाँ भी बोल सकते हैं, देखो इस चार्ज के द्वारा जो फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा, इधर होगा। इस चार्ज के द्वारा फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इनके द्वारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर होगा, और इसके द्वारा क्या होगा, इधर होगा। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जीरो नहीं होगा, तो ये तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ भी नेट फील्ड क्या होगा, जीरो नहीं होगा, तो ये तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पे ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको नोट में तुम लोग क्या करना, लिख लेना नोटबुक में, इसको नोट कर लेना कि यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ भी SHM का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो होमवर्क क्या है, कोई स्क्वायर है, अभी तक हमने सेंटर पे फील्ड लिखा था बेटा, एक क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, ये वो है, ठीक है। इसका साइड लेंथ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इन द शोन फिगर, इन द क्या होगा, इन द शोन फिगर फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। सुनो ध्यान से, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एक्सिस पे क्या है, कोई पॉइंट पी है। देखो ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, यही क्या है, दिस इज एक्सिस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, एक्स डिस्टेंस पे क्या है, कोई पॉइंट पी है, यहाँ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। तो इन द शोन फिगर फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए स्क्वायर एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। तो स्क्वायर के सेंटर बेसिकली इधर कोई पॉइंट होगा, कहाँ, यहाँ होगा, लेकिन मैंने यहाँ दिखाया है। तो स्क्वायर के एक्सिस पे क्या है, कोई पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, एक्स है, उस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लेना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? फिर यहाँ सेंटर से एक्सिस के अलोंग यदि किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर देंगे, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेटिंग मोशन भी हो सकता है और ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस।